नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज फिर से देश में वही स्थिति है जो पुलवामा हमले के बाद थी। अब सेना जरूर कुछ बड़ा करने वाली है। भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, देश पूरा गुस्से में है, सेना को खुली छूट दे दी गई है और अब फिर से वही स्थिति है। पर सामने अब केवल पाकिस्तान की जगह चीन है। इस समय सेना का जोश आसमान छू रहा है। अब केवल किसी भी कार्रवाई के लिए केवल एक इशारे का इंतजार सेना को है और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का ये समय है। और चीनी सेना और वहाँ की जो सरकार है, दोनों इस समय डरे बैठे हैं। चीन में इस तरह के से भूचाल मचा हुआ है जैसे कि भारत की सेना बीजिंग तक पहुँच गई हो। और अब भारत का जो सड़कों का जाल है लद्दाख और चीनी सीमा पर, वो लगभग पूरा हो गया है। ऐसे में चीन को डर ये है कि भारत अक्साई चीन पर कहीं तिरंगा ना गाड़ दे और उस पर अपना जो झंडा है वो लहरा दे, क्योंकि चीन डरा बैठा है। क्योंकि चीनी सेना जो है वो उसने धोखे से पहले हमला कर कर अक्साई चीन को कब्जा लिया था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब हमारी जो नीति है, लीडरशिप, वो भी मजबूत है, सेना को खुली छूट भी है और पहाड़ी क्षेत्रों में सेना लड़ने के लिए बिल्कुल सक्षम है। तो ऐसे में चीनी सरकार की बौखलाहट ऐसे में दिखती है, आपने पढ़ा होगा, ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि भारत को चीन के साथ युद्ध में नेपाल और पाकिस्तान की सेना से भी सामना करना पड़ेगा। भला ये पिद्दी वर्ग के दो देश युद्ध में क्यों झोंकना चाहता है चीन, ये तो किसी को नहीं पता है। पाकिस्तान तो पहले ही दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है और नेपाल का नक्शा वैसे ही नहीं दिखता है, मतलब नेपाल छोटा देश है। भला नेपाल भारत के साथ युद्ध लड़ेगा किस चीज से, किस हथियार से वो भारत को लड़ेगा? भला भारत उन्हें ट्रेनिंग ट्रेनिंग देता है तो वो किस तरह से भारत के साथ युद्ध लड़ सकते हैं? और दोस्तों, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रही लड़ने की बात वहाँ की जनता और सेना की, तो नेपाल की जनता और वहाँ की सरकार को छोड़कर वहाँ की सेना भी भारत के साथ है। वहाँ की केवल सरकार चीन की गोद में जाकर बैठ गई है। वहाँ की जनता और वहाँ की सेना बहुत समझदार है। ये केवल वहाँ की सरकार ऐसे बयानबाजी करवा रही है चीन से जो है पैसा लेकर। तो इसमें तो कोई राय नहीं है कि चीनी सरकार ने जो नेपाली सरकार है उसको पैसा दिया है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या व्यू है? अगर आपको ऐसी ही ढेर सारी अमेजिंग डिफेंस डिफेंस और हथियारों से रिलेटेड और दुनिया की नई नई खबरों से रिलेटेड जो वीडियोस चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हम लाइव, अब मैं एक वीडियो डेली एक लाइव कर रहा हूँ, उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उसमें उनका जवाब दे रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच माई वीडियो।